नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टेस्ट सीरीज नंबर 5। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे श्रेणी के स्नेहक लुब्रिकेशन के ज्वलन बिंदु का मान आसपास होता है वो तो कितना होता है? 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 150 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहक तेल में उदासीनीकरण संख्या का मान होता है? तो लुब्रिकेशन ऑयल में जो उदासीकरण संख्या का मान होता है वो कितना होता है, कितने से कम होता है या अधिक होता है? तो 0.01 से कम, 0.01 से अधिक, 0.001 से कम, 0.001 से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.01 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरल पदार्थ के प्रभावित होने के गुण के विरोध को क्या कहते हैं? तैलीयता, विस्कोसिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, फ्लैश पॉइंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया औजार किस प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है? तो जो ये टूल बताया गया है कहाँ प्रयोग होता है? स्नेहक लुब्रिकेशन में, कूलिंग सिस्टम में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुब्रिकेशन स्नेहक सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार किसने किया था? स्टीपन ने, होमी जहांगीर भाभा, अब्दुल कलाम, मिस्टर ऑटो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगे पीछे होके हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर ऑटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई पाइप फायर एक्सिक्यूटर में क्या होता है? तो N2H2O, CO2, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोपी, मास्क, दस्ताने, गॉगल्स। तो आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय क्या होता है? तो डीजल इंजन में बताना है कि जब सक्शन स्ट्रोक शुरू होती है तो क्या होता है उसमें? फ्यूल आता है, हवा आती है, मिक्सचर आता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केवल शुद्ध हवा इंजन में प्रवेश होती है। और अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर कम्बशन चैम्बर में प्रवेश होता है। और डीजल इंजन की जो रेटिंग होती है वो सीटेन नंबर से जानी जाती है और पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर से जानी जाती है। और ऑक्टेन नंबर होता है 94 और सीटेन नंबर होता है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अधिभारित विद्युत सॉकेट को संभालने का परिणाम होने में सबसे अधिक संभावना है? शीत दस, एस्बेस्टस, श्वास विरोध और बिजली का झटका। तो इसका सही आंसर है बिजली का झटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की सबसे अधिक संभावना है? प्रशासन, मैनुअल हैंडलिंग, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, अत्यधिक शोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल हैंडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां आवश्यक है? उपकरण को ठीक तरह से अर्थिंग किया जाना चाहिए, केबल पूरी तरह से इंसुलेट किया जाना चाहिए, केबल में कोई जोड़ होना चाहिए, दो, ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। उपकरणों को ठीक तरह से अर्थिंग किया जाना चाहिए और
केबल पूरी तरह से इंसुलेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक संयंत्रों में रखे जाने वाले आसान अग्निशामकों में सूखा रासायनिक पाउडर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ए और बी दोनों, फोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूखा रासायनिक पाउडर होता है, अग्निशामकों के अंदर सूखा पाउडर होता, रासायनिक पाउडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई पाइप फायर एक्सिक्यूटर में क्या होता है, N2, H2O, CO2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजल बॉडी में सुराख का व्यास लगभग कितना होता है, 0.15 mm, 0.22 mm, 0.30 mm, 0.45 mm। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.45 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजल किस धातु की बनी होती है, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, लेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा, लोहे की बनी होती है जो नोजल होती है इंजेक्टर की, वो आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर के ऊपर लगे दो स्क्रू को क्या कहते हैं, ब्लीडिंग स्क्रू, कटिंग स्क्रू, फीडिंग स्क्रू, नलिंग स्क्रू। तो इसका सही आंसर है ब्लीडिंग स्क्रू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन कूलिंग सिस्टम में वाटर पंप पानी को इंजन ब्लॉक तक के द्वारा पंप करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, कंप्रेसर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है, तो जो वाटर पंप होता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा इंजन ब्लॉक में पानी को भेजता है, पंप करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर सामान्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं, पीतल के, एल्युमिनियम के, तांबा वो पीतल के, कास्ट आयरन के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा वो पीतल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर प्रेशर कैप का क्या सिद्धांत है, जल का क्वथनांक बढ़ाना, जल का क्वथनांक घटाना, जल सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे श्रेणी के लुब्रिकेशन वॉयल के ज्वलन बिंदु का मान आसपास होता है, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 150 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट बल्ब को पानी में डैश लगाया जाता है, निकास मार्ग पर, प्रवेश मार्ग पर, लिक्विड लाइन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकास मार्ग में। तो जो थर्मोस्टेट बल्ब होता है उसको निकास मार्ग पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर प्राय बने होते हैं, तो जो रेडिएटर होता है वो कौन से धातु का, कौन से मेटल का बना होता है, ब्रोंज के, कास्ट आयरन के, तांबे के, एल्युमिनियम के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबे के, एल्युमिनियम, सॉरी, तांबे के बने होते हैं रेडिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर कंप्रेसर का प्रकार है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये सभी। तो इसका सही आंसर है, जो कंप्रेसर होते हैं तो ये सभी होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन प्रणाली का वो भाग जिसमें द्रव रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण होता है वो क्या कहलाता है, इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इवेपोरेटर। नेक्स्ट है, जॉब को पकड़ने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो जॉब को जो पकड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो बेंच वाइस, स्पैनर, टोंग्स, कैलिपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंच वाइस का। ये है बेंच वाइस जो चित्र में दिखाई गई है। इसमें एक मूवेबल जॉ होता है और एक फिक्स किया होता है। जो मूवेबल होता है वो आगे और पीछे मूव करता है, जो कि हैंडल की तरफ होता है, और इसको बेंच के ऊपर बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर स्ट्रोक इंजन में किस तरह की कूलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो पानी का, हवा का, करंट का, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी का। फोर स्ट्रोक इंजन में वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। औरों के मुकाबले एफिशिएंट होता है तथा इसका जो प्रभावी होता है वो भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में इग्निशन के लिए दिया जाता है, वाल्व, स्पार्क प्लग, पिस्टन रिंग, क्रैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। और पेट्रोल की रेटिंग ऑक्टेन नंबर से जानी जाती है, और ऑक्टेन नंबर जो होता है वो 94 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पीरियड जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व वो इनलेट वाल्व दोनों खुले रहते हैं वो क्या कहलाता है। जब इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों खुले रहते हैं उस टाइम क्या कहलाता है, तो उस टाइम कहलाता है ओवरलैप, ओपन लैप, ओवरलैप, क्लोज लैप, ओवर सैप। तो इसका सही आंसर होगा ओवरलैप, इसको सही कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग किस धातु के बने होते हैं, रफ आयरन, कास्ट आयरन, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कास्ट आयरन के। जो पिस्टन रिंग होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। पिस्टन जो रिंग होते हैं, दो कंप्रेशन रिंग लगे होते हैं और एक वायर रिंग लगी होती है, और जो इसका क्लियरेंस चेक करते हैं वो फिलर गेज के द्वारा, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ऊष्मा को किस कार्य में परिवर्तित करती है, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो हीट इंजन, जो इंजन होता है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये डिसमेंटल किया हुआ इंजन है और इसके जो पार्ट्स हैं देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल एंडेड स्पैनर की में कितने सिरे होते हैं, तो जो ये इस साइड है ये डबल एंडेड स्पैनर है और यहाँ पे सिंगल एंडेड स्पैनर है। तो जो डबल एंडेड स्पैनर होते हैं, जो इनके जो सिरे हैं वो दो होते हैं, 1, 3, 2, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो सिरे होते हैं, और जो इसका कोण बना होता है वो 15 डिग्री का होता है। और जो डबल एंडेड स्पैनर होते हैं इनके दो सिरे होते हैं, और इन दोनों सिरों का साइज अलग अलग होता है, और नट या बोल्ट को आसानी से खोला और टाइट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाले गियर किस धातु के बने होते हैं, जो ये गियर हैं अलग अलग प्रकार के गियर हैं और कौन से मेटल से बने होते हैं, टूल स्टील, अलॉय स्टील, क्रोमियम स्टील, हाई स्पीड स्टील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम स्टील के। जो गियर होते हैं वो क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, टॉर्क कन्वर्टर से मिलती जुलती शक्ल वाला होता है, तो टॉर्क जो कन्वर्टर होता है उसके जैसा क्या, कौन सा कंपोनेंट होता है, फ्लूड व्हील, गियर्स, कपलिंग प्लेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लूड व्हील। फ्लूड व्ही फ्लाई व्हील टॉर्क कन्वर्टर की तरह होता है,
तथा यह फ्लाई व्हील की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब को हेड पर प्राय किस लोम में रखते हैं, किस कोण में, सॉरी किस कोण में रखते हैं? तो 150 डिग्री से, 150 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री पर। बाल्ब को हेड पर प्राय 45 डिग्री पर रखा जाता है क्लीयरेंस के कारण, और ये है बाल्ब जो चित्र में दिखाए गए हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट बाल्ब। बाल्ब स्प्रिंग किस धातु के बने होते हैं? जो बाल्ब होते हैं, बाल्ब के जो स्प्रिंग होते हैं, वो कौन से मेटल के बने होते हैं? स्टील के, ब्रास के, कॉपर के, क्रोम वैनेडियम स्टील के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रोम वैनेडियम स्टील के। जो बाल्ब हैं वो क्रोम वैनेडियम स्टील के बने होते हैं। अगर आपने मेटल वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कौन से टूल, सॉरी कौन से कंपोनेंट कौन से मेटल के बने होते हैं, तो वाके जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंगल पीस में निर्मित सिलेंडर ब्लॉक को क्या कहते हैं? सिंगल सिलेंडर, मोनो ब्लॉक सिलेंडर, ब्लॉक सिलेंडर, ट्राई सिलेंडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनो ब्लॉक सिलेंडर। इसे मोनो ब्लॉक सिलेंडर कहते हैं, इसमें बॉडी तथा हेड सिंगल पीस के बने होते हैं, इसे कास्ट करके बनाया जाता है। जो चित्र में दिखाया गया है ये है सिलेंडर ब्लॉक, और इसको मोनो ब्लॉक सिलेंडर भी कहते हैं अगर सिंगल पीस में निर्मित होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।